इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। 18 जनवरी बुधवार को गुमानपुरा कांटा के समस्त ग्रामवासियों द्वारा अवैध चावल की फैक्ट्री के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। गाँव वासियों ने बताया कि फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी हमारे खेतों में निकाला जाता है, जिससे हमारे उपजाऊ जमीन व खेती नष्ट हो रही है। इस मामले की शिकायत को लेकर फैक्ट्री के मैनेजर को बताई तो मैनेजर ने भी गाली गलौज जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया तथा एक एक को देख लूंगा यहां तक धमकी दे डाली। यहां पर रहने वाले सभी बाशिंदों के मकानों, फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले दो धुएं से बच्चों के रात में पढ़ाई में सांस में काफी तकलीफ होती है। इस अवैध रूप से फैक्ट्री के लेकर पूर्व में भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जा चुका है, मगर अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। यह चावल की फैक्ट्री गुमानपुरा नेशनल 52 पर स्थित है। सोयुग युग प्राइवेट लिमिटेड जरिए नवल किशोर माहेश्वरी निवासी शक्ति नगर कोटा के नाम पर उक्त भूमि औद्योगिक परियोजन अर्थ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त फैक्ट्री में सोयाबीन का तेल निकालने का कार्य वर्तमान में संचालित है। उक्त फैक्ट्री के पीछे जरखोदा के किसान के खेत हैं, लेकिन उक्त फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल का गंदा पानी किसानों के खेतों में 6 माह से लगातार आ रहा है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। फैक्ट्री द्वारा आगे पानी की ट्रेन पर अवैध रूप से कब्जा कर ट्रेन को भी बंद कर दिया गया है। इस ट्रेन से फैक्ट्री का कब्जा हटाकर ट्रेन को वापस सुचारू रूप से किया जाए। क्षेत्रीय किसान राजमल बैरवा द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2022 को लातेड़ा थाना में फैक्ट्री के HR सुमित विजय के विरुद्ध गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने की रिपोर्ट मुकदमा दर्ज कराने के लिए दी तो गई थी, लेकिन तालेड़ा पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उक्त मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इंडियन टीवी न्यूज से पुरुषोत्तम बूंदी की रिपोर्ट। हम जलखोदा में सुयोग प्राइवेट लिमिटेड एक फैक्ट्री है, उसमें सोयाबीन तेल का उसमें कार्य संचालित है। उसके पीछे कई किसानों को खेत है, फैक्ट्री के तेल का गंदा पानी किसानों के खेतों में आ रहा है और किसानों की कई सारी फसलें खराब हो चुकी है। इसके लिए किसानों द्वारा पूर्व में फैक्ट्री प्रबंधन से बातचीत की गई, लेकिन फैक्ट्री के HR द्वारा किसान राजमल बैरवा के साथ गाली गलौज की, अभद्रता की, इसकी शिकायत पूर्व में तरला थाने में दी गई है, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। और फैक्ट्री के द्वारा जो परमिशन दी गई है वो भी गलत है। मेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर ड्रेन संचालित है, ड्रेन पर फैक्ट्री द्वारा कब्जा कर लिया गया और ड्रेन के ऊपर पट्टी डाल के अपनी पार्किंग वहां पे बना ली गई, जो बिल्कुल अवैध है। तो इन सब मांगों के लिए जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं कि फैक्ट्री प्रबंधन पर कार्रवाई हो। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा किसान को धमकाया गया है, कुछ लोग वहाँ गए थे उनको भी धमकाया गया है, फिर माफी भी मांग रहा है वो, इससे भी जाहिर हो रहा है कि गलती तो की है उसने। क्या माना? किसान राजमल बैरवा द्वारा बातचीत की गई थी तो फैक्ट्री के HR द्वारा गाली गलौज की गई, अभद्रता की गई, और जैसा कि मुझे किसानों ने बताया, बाद में कहा गया कि अब जो तुम्हें करना चाहो वो कर लो। तो पूरा किसान प्रताड़ित है, पूरा गांव प्रताड़ित है। यदि कार्रवाई नहीं की गई तो जिला कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा जाएगा। कितनी जमीन इसके इसमें प्रभावित हो रही है? करीब 150 बीघा जमीन पूरी प्रभावित है। और फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा एक कचरा जो सिवाई चक है, सिवाई चक कचरे पे भी अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जिसपे काबिज करके वहाँ पे फैक्ट्री का कार्य संचालन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल जिला कलेक्टर महोदय को कार्रवाई करनी चाहिए, किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए और जो ड्रेन है उस। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।